हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा रैपिड पेट्रोल। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि गाड़ी में चलते चलते अचानक ही लाइट आ गई है पानी की, ठीक है, हीटिंग की, और गाड़ी का पानी कस्टमर ने चेक करा तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट वगैरह हमने कर ली है कि गाड़ी स्टार्ट वगैरह सब हो रही है फर्स्ट क्लास, तो अभी तो निशान आ नहीं रहा, मगर पानी की लाइट आई, कस्टमर ने पानी डाला और तुरंत निकल रहा है पानी, कस्टमर ने ऐसा बताया। तो इसको चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो गाड़ी बंद करते हैं, बोनट खोलते हैं, इसका बाल ले बनते हैं। तो अभी ये सारा हटाएंगे, ये हटाइए बैटरी वगैरह, मेरे फोन में बैटरी भी कम है। फिर देखने की कोशिश करेंगे, पानी तो यहाँ पर लीक दिख रहा है, मगर एक बार खोल के चेक करते हैं किस चीज़ की प्रॉब्लम है। यार ये सीएनजी लगवा लेते हैं ना, ऐसे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, हटाना ही पड़ेगा ये सारा, पानी तो लीक ही जाएगा यहीं से, ठीक है, पानी लीकेज तो यहीं से है। और ये बैटरी बक्सा वगैरह अभी हटाते हैं, एयर फिल्टर हटाते हैं, इसका एयर फिल्टर हटा ले बीच यूँ करके पीछे से। हटा के ले चुके हैं, तो ये एल्बो देख सकते हो कस्टमर ने अभी डलवा रखी है, नई एल्बो, ये एल्बो नई डली हुई है दो तीन महीने पहले। अभी इसको खोलते हैं, ये लिक्विड से भी ठीक है, पानी यही गिरा हुआ है, बाल्टी में पानी है डालियो। तो अभी एक जग पानी डलवा के देखते हैं, फटाफट डाल। अरे ठीक है, पाइप खुला हुआ है क्या इसका? तो ये देख सकते हो बहुत तेजी से आ रहा है, मतलब कि एल्बो वगैरह कहीं से टूटी गई है ये। ओ ये तो है ही नहीं इसमें छेद, खोल इसको एल्बो को। तो अभी इसको एल्बो को निकलवाते हैं बाहर।
जेल वो निकाल के हमने ले चुके हैं। ये देख सकते हो यहाँ से ये टूटी है, कोई चीज़ इस पर लगी हुई है तभी ये टूट सकती है, ना तो ऐसे तो टूटेगी नहीं है। और ये नई एल्बो डलवा रखी है कस्टमर ने, ये देख सकते हो, मगर ये इम्पोर्टेड है लोकल, और हम इसमें डालेंगे ओरिजिनल। अभी ये एल्बो लगी पड़ी है, अभी ये छल्ला निकाल दे भी, ठीक है यहाँ की सफाई वगैरह पूरी करके लेंगे और फिर इसमें दूसरी एल्बो लगा के फिट कर देंगे। तो अभी चलते हैं, दूसरी एल्बो दिखाता हूँ मैं आपको, दिए दूसरी एल्बो दूंगा। तो इसके अंदर हम ये वाली एल्बो लगाएंगे, ये ओरिजिनल है मगर है पुरानी, मगर है बढ़िया, ये लीक वगैरह नहीं है। इसको अगर पूरी प्रॉपर फिट वगैरह करके दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से तैयार होगी, तो अभी करते हैं इसको कंप्लीट। तो ये हमने फिट वगैरह करके ले चुके हैं पूरी कंप्लीट करके, ये स्विच भी हमने चेंज कर दिया, ये लोकल था ये घूम रहा है, ठीक है। और ये अपना छल्ला वगैरह भी नया डाल के ले चुके हैं, अभी इस पर एना मोड लगाएंगे और यहाँ पर हल्का एना मोड लगा के उस साइड में और इसको फिट कर देंगे। और ये जो है ख़राब वाली वही है, तो इसको लेके चलते हैं। एनामोल उठा लीजिए ज़रा, यहाँ की अपने सफाई करके ले चुके हैं, मैं रुक जाओ, और इस पाइप पे हल्की एनामोल लगा के लेंगे और अभी इसको इस तरीके से हम फिट कर देंगे। तो अभी फिट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये अपने एल्बो वगैरह पूरी कंप्लीट करके ले चुके हैं, पूरी फिट हो गई है, एनामोल वगैरह सारी सूख गई है, हमने पानी डाल के इसमें छोड़ दिया है लीकेज वगैरह चेक करने के लिए। तो अभी इसको पानी छोड़ देंगे आधे घंटे तक और लीकेज प्रॉपर पता चल जाएगी, उसके बाद पानी निकालने के बाद कूलेंट डालेंगे। तो अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं, आधे घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये कूलेंट बताऊंगा इसमें कौन सा कूलेंट डालते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो अभी इसको सूखने देते हैं। तो हमने पूरी फिटिंग वगैरह करके इसकी ले चुके हैं, एल्बो वगैरह प्रॉपर लग चुकी है, डाल कूलेंट डाल चल कर दे। अभी इसके अंदर हमने एक लीटर कूलेंट डाला है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल डालोगे तो बेस्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। और एल्बो भी हमने लोकल मिल ली थी मगर लोकल डाली नहीं, ओरिजिनल डाली है पुरानी, इसी मारे के वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। और हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, गियर वगैरह निकाल के ले चुके हैं, अभी इसको चला के देखेंगे। एसी बंद कर दे एसी। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी का स्विच लगा के एक बार गाड़ी को स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर हमने लगा रखा है तो एक बार इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। ठीक है एग्नोस स्कोडा ओके। तो एक बार स्कैन वगैरह करके इसकी ट्राई वगैरह मारने चलते हैं। ये बड़ा कलेज है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो कनेक्ट हो ही रखा है हमारा, ऐसे तो कोई लाइट नहीं आ रही है। ओके डीसी नो फॉल्ट कोड, तो इसके अंदर अभी कोई फॉल्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं।
गाड़ी हमारी हो चुकी है फर्स्ट क्लास, तो अब इसको पैक करके लेते हैं और फिर अब इसकी ट्राई मारने चलते हैं। गाड़ी हमारी पूरी ओके हो चुकी है, तो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, ओके एक नंबर की। तो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।